डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस टाइम फॉर my स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग अप द री एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 cycle साइकिल और जो आगे भी दिसंबर में लेंगे उनके लिए तो ये है ही बहुत ही उपयोगी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जून 2024 में हम लोग के पास केवल दो पेपर हैं सिफ्ट वन पेपर वन की मैं बात कर रहा हूँ और सिफ्ट टू पहले क्या होती थी जब ये सी बी टी बेस्ड टेस्ट होता था जो अब फिर हो रहे हैं तो आपको हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पेपर वन के क्वेश्चन अलग अलग मिलते थे तो आपको बहुत बड़ा एक रेंज पेपर वन का मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए इस बार जो पेन एंड पेपर टेस्ट हुई वन ऑफ जो फीएस रही उसमें चूंकि एक ही पेपर सबको मिल रहा था एक ही टाइम में एग्जाम हो रही थी इसलिए केवल दो ही पेपर हमें मिले हैं उन दोनों पेपर को दस क्वेश्चन होते हैं पांच पांच क्वेश्चन थीम वाइज मैं वीडियो एनालाइज करके थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन करके कोशिश कर रहा हूं कि उसके थ्रू आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए उसी क्रम में आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड जून 2024 के दो पेपर को देखेंगे सिफ्ट वन और सिफ्ट टू लेट बिगिन यदि हम सिफ्ट वन की बात करें तो इसमें पांच छठे क्वेश्चन को मैंने ले लिया लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा है कि बाउंड्री लाइने कहीं भी जा सकता है वो तो पांच छह क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहां पे मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ये सब क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में एक ही थे आप फिलोसफी कर लें चाहे वो आम, साइकोलॉजी so, का लें सोशल स्टडीज का लें जो भी सिफ्ट वन में टेस्ट हुए थे सबके पेपर वन का क्वेश्चन सेम था तो किसी का भी सोच लीजिए किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे ये लैटिन एवरीविएसन है और इसका मीनिंग है ये सब काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं एटसेट्रा यूज करते हैं पोस्ट ए प्रायरी यूज करते हैं पोस्ट पोस्टेरी यूज करते हैं का जिक्र करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू जॉनसन एट ऑल मतलब की बहुत सारे थिंकर ने ये बुक लिखा है दो हजार इक्कीस में तीन चार तो हमने फर्स्ट ऑथर का नेम दे के एट आल दे दिया तो ये जो है एंड अदर्स कह सकते हैं तो ए का टू और इसी से ये क्रैक हो जाता है इसका मतलब कि बी का थ्री है एंटी का मतलब होता है बिफोर प्रायर इसका उल्टा पोस्ट हो जाएगा सी एफ जो है हम यूज करते हैं सी का फोर है कंपेयर करने के लिए जैसे हम यहां पे देखिए कि द रिजल्ट्स वेयर कंसिस्टेंट विथ प्रीवियस स्टडीज ब्रैकेट में सी एफ स्मिथ तो ये जो रिजल्ट्स हैं इस जिस स्टडी की हम बात करें उसको कंपेयर करें स्टूडेंट स्मिथ ने जो स्टडी किया 2020 में ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है इस आर्टिकल में लास्ट में जो इबिड है ये भी काफी जगह आपने देखा होगा इन द सेम प्लेस मतलब कहने का आपने मान लीजिए किसी बुक को रेफर किया यहां देखिए स्मिथ जॉन द हिस्ट्री ऑफ साइंस न्यूयॉर्क यहां रेफर किया उसके बाद यदि सेम बुक को आपको रेफर करना है पेज 47 सेवन यहां पेज 45 था तो आप पूरा फिर नहीं लिख के इबिड लिखेंगे मतलब सेम प्लेस में इसी बुक में सैंतालीस नंबर पेज में देखो इसको इबिड कहते हैं इस तरह के जितने भी एब्रीविएशन है और भी बहुत सारे हैं इन सबको थोड़ा देख लीजिए इसी बहाने जो है देख लीजिए इंटरनेट पर भी मिल जाएगी तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है कि एक ही से चुके मैच होया था तो मीडियम लेवल का है इलेवन नंबर क्वेश्चन जो था आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेज इज एक्सेप्टेबल ये तो मैं कितनी बार पॉलिटिकल साइंस में बताते हैं इपिस्टेमोलॉजी में जो है इपिस्टेमोलॉजी मतलब साइंस ऑफ नॉलेज दो तरीके से समझी जा सकती है सोर्सेज ऑफ नॉलेज एक जो ये कह रहा है कि केवल एक ही हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारा सेंस एक्सपीरियंस है यदि ऐसा है तो उसको हम इंपिरिसिज्म कहते हैं यदि हम ये मानते हैं कि नहीं सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे सेंस सेंस एक्सपीरियंस के बियॉन्ड भी है जो हम सेंस हमारी आंखें नहीं देख सकती नाक नहीं सूंघ सकते हाथ नहीं टच कर सकते जो अदर वर्ल्डली है जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस में नहीं है इसका मतलब क्या है वो ऐसी दुनिया में है जिसको हम नहीं देख पाते हैं जो प्लेटो के लिए इंटेलिजिबल वर्ल्ड यदि वहां से आती हो या और कोई ट्रांसडेंटल सोर्स है तो यदि उस तरह के नॉलेज या वो नॉलेज जो है प्योर लॉजिक पे बेस्ड है प्योर रैशनलिटी पे बेस्ड है या प्योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे बेस्ड है बस दिमाग में हमने सोचा और हमें वो नॉलेज हमें दिखने लगी जैसे साधु महात्मा जो है पूज मतलब कि यो, योग कर रहे हैं तप कर रहे हैं उनको नॉलेज मिल गया बुद्ध जो है वो पेड़ के नीचे बैठे तपस्या की और उनको नॉलेज मिल गया तो उस टाइप की नॉलेज उसको रैशनलिज्म कहते हैं रैशनलिज्म तो रैशनलिज्म हो गई जो ये मानता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है सेंस एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है और इंपेरियसिज्म हो गई यदि मानता है कि सेंस एक्सपीरियंस ही केवल सोर्स ऑफ नॉलेज है यदि थिंकर को आप दो खेमे में बांट सकते हैं प्लाटो जैसे थिंकर रैशनलिस्ट हैं एकदम इमानुअल कांत को भी उसमें आप मान सकते हैं जबकि इंपेरिसिस्ट जो है ह्यूम है या जॉन लॉक है ये सब सब इंपेरिसिस्ट है ट्वेंटी थ्री देखिए वेन यू ट्राई टू प्रेडिक्ट द वैल्यू एफ एन ऑफ एन आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कोर्स आउटकम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिस वेरिएबल पर डिपेंड करेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो क्या मेथड हम यूज करेंगे इसमें देखिए ये थोड़ा सा आपको जो है रिग्रेशन uh, और वेरिएंस और कोरिलेशन के बारे में जानना होगा कोरिलेशन जो है चाहे किसी भी टाइप का कोरिलेशन वो ये है कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई तो वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं यदि मान लीजिए एक्स बढ़ता है जैसे कि चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की जो है प्राइस बढ़ जाएगी तो ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं इसी तरीके से यदि चाय की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी कि जो चाय पीने वालों की जो संख्या है वो हो सकता है घट जाए तो ये दो वेरिएबल जो है वो निगेटिवली कोरिलेटेड है तो कोरिलेशन मतलब कि दो वेरिएबल किस तरीके से जो है कोरिलेटेड रिलेटेड है क्या वो पॉजिटिव है एक तो हो सकता है परफेक्ट कोरिलेटेड हो दस परसेंट कोई चीज बढ़े तो ये भी दस परसेंट बढ़े और परफेक्ट निगेटिवली कोरिलेटेड हो जिसको हम कहते हैं माइनस वन दोनों के बीच में कोरिलेशन है दस परसेंट बढ़े तो ये माइनस दस परसेंट घटे यहां प्लस वन हुआ माइनस हुआ ये तो कोरिलेशन हुआ रिग्रेशन है कि रिग्रेशन वो है जो यहाँ है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का कॉज एंड इफेक्ट कितना बता पाता है तो ये रिग्रेशन कहते हैं तो ऑफकोर्स चूंकि ये हमें ये जानना है कि इसका आउटकम जो है वो किन वेरिएबल पे uh, मतलब कितना डिपेंड करता है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल पर आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर डिपेंडेंट तो डेफिनेटली हमें रिग्रेशन जानना होगा चूंकि एक और एक से अधिक है यदि एक होगा तो बाई वेरिएट रिग्रेशन मतलब दो वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट तो ये कितना इसके वैल्यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर सकता है आउटकम डिपेंडेंट um, वेरिएबल का तो ये बाय वेरिएट हो गया थी मल्टी वेरिएट हो गया थी बहुत सारे फैक्टर हैं मान लीजिए जैसे स्टूडेंट का एज है उसका बैकग्राउंड है उसकी प्रायर एकंपलिसमेंट है वो उसके नॉलेज कितना वो ले सकता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको इफेक्ट करता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो मल्टी वेरिएट रिग्रेशन इसका मतलब कि हम बी या सी इसमें सही होगा या तो बाई वेरिएट रिग्रेशन या मल्टी वेरिएट रिग्रेशन से हम ये जान सकते हैं वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स अब ये जो बचा वेरियंस एनालिसिस ऑफ वेरियंस इसको अनोवा कहते हैं अनोवा ये यहाँ पे है ये कंपेयर करता है कि मल्टीपल ग्रुप है मान लीजिए डेटा सेट का मान लीजिए मैथमेटिक्स में क्लास एट के स्टूडेंट साइंस में क्लास एट के स्टूडेंट साइंस का मार्क्स 50 स्टूडेंट का यहाँ पे सोशल साइंस के पचास स्टूडेंट का मार्क्स ये तीन ग्रुप है तो इन ग्रुप का आपस में मीन का क्या रिलेशन है क्या सब एक दूसरे से दिखते हैं कोई नाता या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस टाइप करते हैं इसी डेटा के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है वो उसके मीन से कितना वैरी करते हैं उसको वैरियंस कहते हैं तो इन सब का इससे जो है हम आ, जो टेस्ट करते हैं दिस कंपेयर मीन्स अक्रॉस ग्रुप्स बट डज नॉट प्रेडिक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक तो अनोवा आप काफी पढ़ सकते हैं ये सबको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा नेट पे जाके इन सब के बारे में और भी पढ़ लीजिएगा काफी ज्ञान आप ले सकते हैं लेकिन यहां पे आपको जानना होगा कि जब प्रिडिक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम डिपेंडेंट वेरिएबल के आउटकम को तो वो रिग्रेशन एनालिसिस से करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेटअप सो दैट एवरी बडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग इंक्लूडेड इन द सैंपल इसी को प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है कि हर जो यूनिट है का उसके चुने जाने के सैंपल में प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो जैसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी कितने तरीके हो सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी कितनी कई बार मैंने बताया है इसको भी नेट पे जाके पढ़ लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अरेंज द different stages involved in the process of deduction in correct sequence ye question aapko kafi sare gyan deta hai ki deductive research aur inductive research mein kya farak hota hai dekhiye deductive research jo hai abhi hum log ne rationalism dekha wo usse related hai ये top down approach कहलाता है इसमें सबसे पहले deductive approach में आप प्लेटो को हमेशा ध्यान में रखिए वो डिडक्टिव अप्रोच का सबसे अच्छा एग्जांपल है पहले ही एक थ्योरी जो है वो दिमाग में बना लिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जैसे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट ये कहीं पे ऐसा नहीं है कोई एक्सपेरिमेंट से बना बस सोचा गया कि ऐसा है या थ्योरी ऑफ फॉर्म और फिर जो है उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस जो है बनाया जाता है उस थ्योरी के बेसिस पे तब जो है थर्ड लेवल पे डेटा कलेक्ट किया जाता है डेटा के पैटर्न को देखा जाता है फाइंड किया जाता है क्या ये हाइपोथेसिस सही है गलत ये पांचवें स्टेज में कंफर्म किया था कि जो हाइपोथेसिस हमने अपने ही थ्योरी के बेसिस पे डिवाइस किया था क्या वो कंफर्म होता है या रिजेक्ट होता है और फाइनली जो है यदि मान लीजिए हाइपोथेसिस कन्फर्म हुआ तो हमारी थ्योरी बलवती है सही है नहीं तो हम रिवाइज करेंगे थ्योरी को अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि चार जो आपको दिया है रिविजन ऑफ थ्योरी हाइपोथिस कंफर्म रिजेक्ट फाइंडिंग डेटा कलेक्शन इसमें ये दो जो लाल से मैंने दिया है ये स्टेप इन्होंने दिया ही नहीं है इसको मान लिया गया कि पहले हो चुका है तो उसके बाद पहला जो होगा वो डेटा कलेक्शन होगा ऑफकोर्स डी और फिर उसके बाद जो है वो फाइंडिंग्स होगी सी और फिर जो है हाइपोथेसिस uh, को टेस्ट किया जाएगा जो पहले ही बन चुका है और फिर रिवीजन थ्योरी लास्ट में की जाएगी तो डी सी बी है यदि ये इंडक्टिव होता तो कहाँ से होता जानते हैं शुरुआत कहाँ से होती शुरुआत फर्स्ट स्टेज ये होता डेटा कलेक्शन फर्स्ट डेटा कलेक्शन करते ऑब्जर्व करते फिर हम जो है उसके पैटर्न को ढूंढते उससे हम फाइंडिंग निकालते फिर हम हाइपोथेसिस बनाते उसके बाद और हाइपोथेसिस बना करके फिर हम जो है फर्दर जो है उसको टेस्ट करते रिग्रस टेस्ट करते एक्सपेरिमेंटल और फिर हम जो है हाइपोथेसिस को कंफर्म या रिजेक्ट करते और उससे हम थ्योरी बनाते ये जो मेथड है बॉटम अप अप्रोच इसको इंडक्टिव अप्रोच कहा जाता है जो इंपेरिसिस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच भी कह सकते हैं लास्ट जो क्वेश्चन इसमें छठा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप किसी भी ब्रैकेट में रख सकते हैं इसको एजुकेशन में हायर एजुकेशन में रखा जा सकता है ये डिफरेंट जो रिसर्च uh, इंस्टीट्यूट इंडिया में है उसके क्रोनोलॉजी अभी ये तो आप जानते हैं तो रोट लर्निंग है यहाँ मैंने सब दे दिया है इंटरनेट से दिया है आप इसको चेक भी कर सकते हैं मैंने एक दो साइट ही केवल देखा है जो मुझे कॉमन मिला है वो दे दिया है इस बेसिस पे यदि दे आप देखेंगे तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ओपन होती है नाइनटीन में तो ये ई e से स्टार्ट होता हुआ केवल एक ही है तो बस इसी को आप टेक मार सकते हैं वो इसे मैच कर भी जाती है सो so, हम लोगों ने देखा कि जो पाँच छः क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इजी टू मीडियम है और मुझे लगता है कि यदि पेपर वन को आप ठीक से तैयारी करें जो मैंने भी आपको गाइड दिया है मेरे पेपर वन के वीडियो को यदि आप ठीक से देखें तो आप इसमें 35 आराम से ला सकते हैं और 35 फाइव यदि आप फिफ्टी में लाते हैं तो आप जे क्रैक कर सकते हैं अब आइए हम लोग जो जून ट्वेंटी साइकिल के जो सिफ्ट टू के जो क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटिकल साइंस में भी आए थे तो ये इसलिए ये पोर्शन जो है ये पहले से रिकॉर्डेड है ये यहां पे जस्ट आपको एक असेंबल के लिए मैंने दिया है आगे आप देखेंगे इस पर जो पांच क्वेश्चन है वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं है uh, तो आप बहुत अच्छे आसानी से जो है इसको कवर कर सकते हैं लेटेस्ट सी पांच क्वेश्चन क्या थे जो कि सिर्फ टू में पूछे गए थे पोलिटिकल साइंस एंड अदर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाय ए सैंपल इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम देखिए अब ये सैंपलिंग के बारे में पूछ रहे हैं डिफरेंट टाइप के सैंपलिंग आपने जरूर पढ़ा होगा रिसर्च में हम सैंपलिंग करते हैं रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग मतलब कि हम जैसे जैसे कि मान लो चावल का बोरा है और अपने उसमें से चार दाना निकाल लिया ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रैंडम सैंपलिंग का और नॉन रैंडम सैंपलिंग है कि क्लास में आप स्टूडेंट को पर्टिकुलर बेसिस पर सेलेक्ट कर लेते हैं किसी तो वो नॉन रैंडम है तो इस तरह के सैंपलिंग करते हैं फिर उस सैंपलिंग में हम क्या कर सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं उसके बिहेवियर को देखते हैं उससे इंटरव्यू ले सकते हैं कुछ भी मतलब वो हमारे लिए ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं दैट इज सैंपलिंग यहाँ पे ना आप बिना कोई ज्यादा ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं कॉमन सेंस प्लस सैंपलिंग का नॉलेज वेयर बाय ए सैंपल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि ये जो सैंपल हम लेते हैं कुछ खास इंडिविजुअल को एक या कुछ दो को कम को लेते हैं उसको कुछ पीरियड तक दो महीने तीन महीने तक जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं या चार महीने एक साल तक इसको क्या कहेंगे देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया पढ़ सकते हैं स्नोबॉल जैसा नाम है कि आपने कुछ सैंपल चुने और फिर वो आपको हेल्प करते हैं नेटवर्क बनाते हैं वो बोलेंगे आप सर इनको चुनिए अपने सैंपल में फिर जो नेक्स्ट चुने जाते हैं वो कुछ और सैंपल ढूंढ के लाते हैं इस तरह से वो स्नोबॉलिंग होती है तो ये तो ये तो ये है नहीं क्लस्टर सैंपलिंग भी यह है नहीं कि क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होती है कि आप किसी पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर में बदल देते हैं मान लीजिए एक बहुत बड़ा शहर है और आपने उसके पॉपुलेशन को किसी बेसिस पे क्लस्टर में बदल दिया किसी जोन के बेसिस पे कोई फिर जोग्राफी के बेसिस पे किसी बेसिस पे फिर उस क्लस्टर को मान लीजिए हंड्रेड क्लस्टर में आपने बांटा और उस क्लस्टर में से रैंडमली आपने पांच क्लस्टर ले लिया तो ये क्लस्टर सैंपलिंग है ये भी ये नहीं है परपज परपसिव सैंपलिंग भी ये नहीं है क्योंकि परपसिव सैंपलिंग जैसा मैंने बताया कि क्लासरूम में टीचर जो है कुछ स्टूडेंट को किसी बेसिस पे चुन लेते हैं तो वो परपसिव सैंपलिंग तो एक ही बच जाता है यह फोकल सैंपलिंग इसलिए आप इसको ऐसे टिक मार सकते हैं कि यही होगा और यही है ही फोकल सैंपलिंग होता क्या है कि जिसमें हम जैसे एनिमल बिहेवियर में यूज कियाता है सोशल साइंस में यूज कियाता है मतलब एक एनिमल को मान लीजिए एक गाय को आपने चुन लिया और या तीन चार गाय को और फिर बहुत लंबे पीरियड तक सेट पीरियड टाइम तक उसका बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं डिटेल में दिस इज फोकल सैंपलिंग कहते हैं इसके थ्रू आपने इतने सारे सैंपलिंग देख ली और भी देख लीजिए अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सिक्वेंस ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है आसान भी है जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं डिजर्टेशन लिखते हैं तो उसका जो सीक्वेंस होता है पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन क्या कर लीजिए टाइटल पेज टेबल ऑफ कंटेंट ये सब देते हैं वहीं पे हम जो है एक नॉलेजमेंट देते हैं कि भाई हम आभार व्यक्त करते हैं इन्होंने हमारा साथ दिया उसको इन्होंने हमें इस तरह से हेल्प एक नॉलेजमेंट देते हैं क्रेडिट कह लीजिए पिक्चर में भी आप देखेंगे क्रेडिट आती है शुरू में ही कि किन्होंने किन्होंने इसमें सहयोग किया है उसके बाद से इंट्रोडक्शन होती है फिर लिटरेचर रिव्यू फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे आपने अपना डेटा कैसे कलेक्ट किया एंड ऑल और उसके बाद फिर डेटा प्रेजेंट करते हैं फिर डिस्कशन होती है कंक्लूजन होती है और रेफरेंस बिब्लियोग्राफी होती है तो इसको आप एक तरह से याद कर लें तो यहाँ पे भी आप देखें तो एक्नॉलेजमेंट आती है तो इसका मतलब सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट आएगा ए से शुरू होगा और ए से शुरू होता हुआ केवल दो ही है तो ये दो को तो आप काट दीजिए ए से शुरू नहीं हो रहा अब देखिए क्या है कि रिसर्च मतलब पहले लिटरेचर रिव्यू होगी तभी कोई भी होगा मतलब पहले डी होगा तब सी होगा या पहले डी होगा तब जो है बी होगा तो आप डी बी को ले लीजिए पहले डी फिर बी तो डी बी में इसमें देखिए तो बी डी है इसका मतलब ये सीधा खत्म हो जाता है और यहाँ पे डी बी है तो एक ही बच जाता है तो इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी को सजाने में आप पूरा जानने की जरूरत नहीं है कुछ चीजें जानिए तो आपको हो जाता है इसको जरूर याद कर लीजिएगा यहां पे एक बात मैं और बता दूं कि कहीं कहीं पे नेट पर पे यह है कि एक्नोलेजमेंट बाद में दी जाती है ठीक बिग्लोग्राफी के पहले मैं ऐसा नहीं मानता जो जनरल ये क्वेश्चन भी नहीं मानता जनरली जो है शुरू में दी जाती है बिफोर टेबल ऑफ कंटेंट लाइक यहां पे देखिए ये जो है थ्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी डिस्क्रिप्शन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ऐसे जो है इंटरनल वैलिडिटी के प्रॉब्लम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है जैसा भी आपने फोकल सैंपलिंग देखा उसी का एक वेरिएशन है इसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप को चुनते हैं मान लीजिए कि पंद्रह हमने व्यक्ति को चुना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से और उसको हम उनका सोशल बिहेवियर पे हम मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं और उसको तीन साल पाँच साल दस साल तक जो है लगातार टाइम टू टाइम जो है उनसे पूछते रहते हैं मतलब एक लंबे पीरियड में उनको हम सर्वे करते हैं उन, उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है और इस बेसिस पे जो है हम एक लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न देखते हैं सोशल बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है क्या हो रहा है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि इतना लंबा पीरियड तो होता है जैसे इसमें एक जो है एट्रीसन थ्रेट होता है एट्रीसन का मतलब ही होता है ड्रॉप आउट हो जाना कोई इंप्लॉय यदि कंपनी छोड़ दे तो यहां पे ड्रॉप आउट से आप इसको पकड़ सकते हैं वैन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ ए स्टडी लीडिंग टू ए चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल आपका सैंपल ही बदल गया कुछ लोग छोड़ दिए कुछ लोग ट्रांसफर हो गए चले गए तो आपका वो पूरा गड़बड़ा जाता है तो यदि बी को हम फोर से मैच कर लें तो यहाँ पे क्या ब्यूटी है कि एक ही आपको जानना है बी का फोर और ये हो जाता है क्रैक तो फिर ए का थ्री सी का टू डी का वन अब आप आगे कर लीजिएगा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये बड़ा मजेदार है इसकी थ्रेड मैं कई जगह बताता रहता हूँ जैसे मान लीजिए कि टेस्ट टेस्टिंग थ्रेड जो है क्या होती है ना जब आप किसी को बार बार टेस्ट करते हैं तो वो आदमी का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है ये हॉथरेडियन जो है इफेक्ट भी है एक्सपेरिमेंट याद कीजिए जब किसी को पता होता है कि उसका टेस्ट हो रहा है तो उसका जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं रह जाता वो एक अलग तरीके से आपको पेश आता है और ये चीज जो है इंडिया में एग्जिट पोल सब क्यों अभी बहुत गलत हो गया उसका कारण ये भी है कि जब उनको पता होता है कि ये कोई पूछ रहा है तो वो कई बार वो सही बातें नहीं बताते हैं वो एक, एक डॉक्टर्ड हो जाता है वो उनको लगता है कि टीवी पे आएंगे तो हम क्यों बताएं कि हमने किसको वोट दिया वो गलत भी बोलते हैं उनका ओपिनियन भी गलत तो इसलिए आजकल ये प्रॉब्लम है टेस्टिंग थ्रेट है, है और भी मेच्योरेशन थ्रेट की वो सब्जेक्ट ही मेच्योर हो जाता है मतलब उसका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है तो फिर वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाता है हिस्ट्री थ्रेट पढ़ लीजिएगा ये सब क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का आपको थोड़ा बहुत जानना होगा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं जैसे एट्रीसन यदि ड्रॉप आउट यदि आप वोकेबलरी भी जानते हैं तो इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं यहां पे देखिए स्केल का ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्केल scale और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वीच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये कि किसमें आप जो है वन टू थ्री फोर इस तरह से रैंक कर सकते हैं यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो इस तीनों में तीन तीन है इसका मतलब एक ही नहीं है यहाँ पे तो एक ही सही है तीन नहीं है और यहाँ दो है यहाँ देखिए नॉमिनल स्केल पे आपका ध्यान जाना चाहिए नॉमिनल स्केल जो है रैंक नहीं किया जा सकता नॉमिनल मतलब कि नॉमिनलिज्म मतलब जस्ट एक लेबल है जैसे कि जेंडर जो है तो मेल है फीमेल है जस्ट ये एक लेबल है मैरिटल स्टेट मैरिड है अनमैरिड है अब इस तरह का जो नॉमिनल स्केल uh, होती है उसको आप थोड़ी रैंक कर सकते हैं अब मैरिड ऊपर रहेगा कि अनमैरिड ऐसा थोड़ी कोई है कि uh, एक कैटेगरी इसको खेल बताता है ये नो टाइप ऑफ तो इसलिए नॉमिनल स्केल कभी नहीं होगा तो ए नहीं होगा इसमें ए है ए है इसका मतलब कि इन दोनों में होगा इसका मतलब बी तो डेफिनेटली है ऑर्डिनल स्केल तो होगा ही ऑर्डिनल का मतलब ही होता है ऑर्डर में हो वन टू थ्री फोर फाइव अब देखना है कि इंटरवल रेशियो स्केल होता है कि नहीं आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल होता है इंटरवल स्केल या इंटरवल वेरिएबल उसको कहते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे होता है लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता बाबी सब का बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता है आपको एग्जाम्पल है कि इसे हाइट या सेल्सियस डिग्री का जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो जीरो डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो टेम्परेचर का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हीट है ही नहीं मतलब कि देर इज नो हीट तो जीरो इंटरवल um, yeah, इसमें नहीं होता ट्रू जीरो नहीं होता है लेकिन इसको भी रैंक किया जा सकता है रेशियो वेरिएबल में ट्रू जीरो होता है इसको तो बिल्कुल रैंक किया जा सकता है सबका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिएगा हाइट वेट इनकम टाइम स्पेंड ऑन टास्क इस पर आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इंटरवल वैलेबल में पूरी कैलकुलेशन नहीं है हर तरह कैलकुलेशन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता नहीं है मैं यहाँ बहुत हड़बड़ी में बोल रहा हूँ आप इन सबको आराम से नेट पर जाके पढ़ सकते हैं नॉमिनल वैलेबल ऑर्नर वैलेबल इंटरवल रेशियो ये चारों को जरूर पढ़ लीजिए यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन फिर मीडियम लेवल का बन जाता है कि आपको नॉलेज है तो बहुत आसान है कि ये तीनों जो है रैंकिंग की जा सकती है सो बी सी डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी हम रिस, रिसर्च एप्टीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा इसमें पांच क्वेश्चन थे द सिस्टमिक सिस्टमेटिक इलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीवड इन ये क्वेश्चन आसान है इजी है लेकिन आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में तो आप इस तरह से एक्सट्रेनस वेरिएबल को हटा नहीं सकते हैं कोरिलेशन रिसर्च जहाँ दो

एक साल तक और फिर दोनों के हेल्थ का क्या असर पड़ेगा उनके मतलब मेटाबॉलिज्म uh, पे हेल्थ पे ग्रोथ पे इसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है एक्सरसाइज और डिपेंडेंट वेरिएबल है हेल्थ तो हम जो है इस तरीके से वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं अब दो ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप जिसको कि हमने बिल्कुल एक्सरसाइज करने नहीं दिया जैसा था वैसा छोड़ दिया उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और जिस ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो एक्सरसाइज है उसको वेरी करते हैं ज्यादा किए कम किए और ये देखते हैं वो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही चेंज होता है और इससे हम जो दो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेल्थ कंडीशन इन दोनों का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है ऑब्जर्व करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है हम मतलब जो जो वेरिएबल को हम नहीं चाहते उसको हम हटा देंगे केवल हम क्या कर रहे हैं हम और कुछ नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं और नहीं देख रहे हैं कि उनका खाने का हैबिट कैसा है उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है उनका मेंटल हेल्थ कैसा है केवल हम एक वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ पे क्या असर पड़ता है तो जब इस तरीके से वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो यह केवल जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही पॉसिबल है इजी क्वेश्चन बट यू मस्ट नो सम डोमेन ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें लोगों को बताएं पॉल साइंस हेल कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं जिससे कि अभी एक लाख चालीस और एक लाख पचास हजार के बीच में सब्सक्राइबर वो तेजी से एक लाख पचास हजार और थोड़ी वजन और बढ़ेगी और यदि आप इंतजार कर रहे हैं सीएटी पीजी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की कब बैच शुरू होगी तो आपको बताना है कि ये फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर शुरू होगी यदि आप नेट जे आर एफ का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं ऑलवेज याद रखिए पी ओ एल एस सी हेल्प हर जगह केवल यही है वेबसाइट पॉल साइंस हेल्प डॉट इन है ईमेल मेल पॉल्स एंड हेल्प पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम है टेलीग्राम चैनल एट द रेट ऑफ पॉल साइंस हेल्प है और ट्विटर एट द रेट पॉल साइंस हेल्प है सो so इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर हैव ए नाइस वीकेंड बाय